आंख और कान हर वक्त खुले रहें। एक फूल एक चूक हुई और तुम्हारी लाश जमीन पर पड़ी होगी। तो मेघना गुलजार की फिल्म राजी आज रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में लीड रोल्स में है आलिया भट्ट और विकी कौशल। तो ये फिल्म हम देख चुके हैं, क्या कुछ खास है इस फिल्म में, क्या अलग है, क्यों ये फिल्म आप देखने जाएं, आज हम आपको बताएंगे। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। आदित्य, फिल्म देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? प्रतीक्षा, ये मेघना गुलजार की फिल्म है, ये आलिया भट्ट की फिल्म है, या यूं कहें कि ये सहमत खान की फिल्म है। एक 19 साल की लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, जो एक गिलहरी को बचाने के लिए नंगे पैर स्कूटर के सामने कूद जाती है। इतनी संवेदनशील सहमत खान, एक दिन उसको पता चलता है कि उसके पिता, यानी जो फिल्म में रजत कपूर ने जो किरदार निभाया है, उसके पिता एक भारतीय जासूस हैं जो पाकिस्तान से खुफिया जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। उनको लंग ट्यूमर हो गया है और वो एक खतरनाक मिशन पे हैं। फिल्म का प्लॉट 1971 का है, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई थी, जो बाद में अलग होकर बांग्लादेश भी बन गया था। तो उसी को लेकर, एक मिशन को लेकर सहमत खान के पिता थे, लेकिन उनको लंग ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना मिशन छोड़ देते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम इसको आगे बढ़ाओ। आलिया के पास चॉइस थी, वो चाहती तो उस मिशन में ना जाती, लेकिन उसने कहा कि वतन से बढ़कर कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं, और वो मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब सहमत खान इस काम के लिए राजी हो जाती है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग बहुत टफ होती है क्योंकि सहमत खान तो जासूसी का जब भी नहीं जानती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल होती है और उनको फिर उनका निकाह करा जाता है पाकिस्तान के एक बड़े उच्च अधिकारी से, जो खुद आर्मी ऑफिसर है। पाकिस्तान जाने के बाद सहमत खान पहले उस परिवार का भरोसा जीतती हैं और उसके बाद वहाँ से खुफिया जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। उन खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए सहमत खान को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनको एक नौकर का कत्ल करना पड़ता है, उनको एक अपने जेठ का कत्ल करना पड़ता है, और स्क्रीन पे जब ये सब हो रहा होता है तब आपके दिमाग में स्टार्टिंग के फ्रेम आते हैं, जब वो एक गिलहरी को बचाने के लिए स्कूटर के सामने आ जाती है। तो फिल्म कहाँ से चल के और कहाँ तक पहुँच जाती है, और इस जर्नी में फिल्म पूरी तरीके से इंगेजिंग रहती है। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती रहती है और आप भी 2 घंटे 20 मिनट तक अपने आप को उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इन सब आपाधापी के बीच में एक वक्त ऐसा आता है जब दर्शकों को लगता है कि उनका दिल बैठ जाएगा, उनको लगता है कि आगे अब क्या होने वाला है, और ये क्या होने वाला है ना, इसके लिए फिल्म देखने जाना चाहिए। आपको बता दें, राजी 2008 में हरिंदर सिक्का की नॉवल कॉलिंग सहमत पर आधारित है। ये एक सच्ची कहानी है। हरिंदर सिक्का, जैसा कि बताते हैं कि उन्हें सहमत खान से एक बेसिक कहानी मिल गई थी, एक सच्ची घटना की कहानी मिल गई थी, जिसको उन्होंने कल्पना के आधार पर गढ़ा है। उन्होंने 1971 का प्लॉट दिया है, जिस वक्त ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई थी और भारत ईस्ट पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और जो बाद में अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। उस दौरान एक मोर्चा था जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी लड़ रही थी, उसके बाद एक मोर्चा वो था जो गुमनामी में भारतीय जासूस लड़ रहे थे, और उनमें से सहमत खान एक थी जिन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत को दिलाई और इनके जो INS विक्रांत था उसको डूबने से बचा लिया। अब बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन की। फिल्म को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, जिन्होंने तलवार जैसी उम्दा फिल्म को डायरेक्ट किया है। तलवार भी एक सच्ची घटना पर आधारित ही फिल्म थी, वो आरुषि हेमराज चर्चित हत्याकांड जो था उसी पर आधारित थी, और उसके बाद ये फिर राजी फिल्म भी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड ही कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसको पर्दे पर लाना बहुत ज़रूरी था, और उसमें ये भी सतर्कता बरतनी थी कि कहीं से भी फेक या बोरिंग या ऐसा कोई इसमें टर्म ना आने पाए। मेघना गुलजार इसमें सफल रही हैं, वो पूरी फिल्म के दौरान आपको बांध के रखती हैं। आप फिल्म जब से शुरू होती है और जब तक खत्म हो जाती है, दर्शक उस टाइम के दौरान अलर्ट रहते हैं पूरी तरीके से। तो फिल्म में मेघना गुलजार ने अच्छा काम किया है। थोड़े थोड़े नुआंसेस की बात करें अगर प्रतीक्षा, तो फिल्म डिमांड करती है दर्शकों से उनकी इंटेलिजेंस की। वो आप बोरिंग बैठ के चुपचाप सिर्फ फिल्म देख के मजा नहीं ले सकते हैं, आपको अलर्ट रहना होता है, आपको समझना होता है। एक दो डायलॉग का अगर जिक्र करें, जैसे फिल्म में एक डायलॉग है कि बारिश होने वाली है, छतरी का इंतजाम कर लो, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सच में कोई मौसम खराब होने वाला है या बारिश होने वाली, वहाँ एक कोड वर्ड है कि मुसीबत आने वाली है और आपको इसके लिए
तैयार रहना चाहिए, तो ये दर्शकों को इंटरप्रेट करना होता है। तो फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं जो आपको एंगेज रखेंगे, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रहेगी। साथ ही मैं कहूंगी मेघना गुलजार ने हर एक डिपार्टमेंट में अपने डायरेक्शन को नंबर वन रखा है, चाहे मैं बात करूँ सिनेमाटोग्राफी की, स्क्रीन प्ले की, राइटिंग की, हर एक डिपार्टमेंट में अपना कब्जा कर रखा है। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोई इनाम कोई मेडल नहीं मिलता, हम उनका नाम तक नहीं जानते ना ही उन्हें पहचानते हैं, सिर्फ वतन के झंडे पर अपनी याद छोड़ जाते हैं। अगर राजी के अभिनय की बात करें तो आलिया भट्ट की ये पूरी तरीके से फिल्म है, वो शुरुआत से अंत तक फिल्म में हावी रहती हैं। उनका जो चेहरे के भाव का चेंज है ना, वो आर्मी ऑफ फैमिली के बहू का एक किरदार निभा रही हैं, साथ ही साथ भारतीय जासूस का किरदार निभा रही हैं, तो वो एक बहुत मासूम से चेहरे से और शातिराना चेहरे में बदलना, और किस तरह से एक बहू को ससुराल में हमेशा मुस्कुराते रहना है, हाँ, एक अलग ही अभिनय उनका निकल कर आया। साथ ही कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है, विकी कौशल भी चेहरे से अभिनय करते दिखाई दे रहे हैं, वो उनकी खामोशी में भी आवाजें आती हैं, रोमांस करते वाले भट्ट के साथ वो साइलेंट रोमांस उनका देखने को मिला है। जो और साथी कलाकार थे, जयदीप अहलावत हो गए, रजित कपूर हो गए, या आलिया की रियल मम्मी सोनी राजदान हो गई, इन सभी ने अच्छा सपोर्ट किया है जिसकी वजह से फिल्म खूबसूरत फिल्म बदल गई है। लेकिन आदित्य मुझे लगता है कि आलिया भट्ट की एक्टिंग कई जगह बड़ी पावरफुल नजर आई है, कई बार जासूसी करते वक्त वो पकड़ी जाने वाली होती है, लेकिन जिस तरह से वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करती है, या फिर वो मुस्कुरा रही होती है अपने ससुराल में, या फिर उनका जो बदलता एक्सप्रेशन है वो बड़ा लाजवाब लगा मुझे। ये आपकी बात एक तरह से ठीक भी है, आलिया बॉर्न एक्टर हैं एक तरीके से, उन्होंने एक्टिंग कितनी सीखी और फिल्म दर फिल्म अच्छी होती जा रही है। एक चीज़ जो थोड़ा सा मुझको खटकी इस फिल्म में आलिया की एक्टिंग में उनको, ये है कि वो जब रोती हैं सीन में, हाँ, तो लग रहा है कि वो कोई हाईवे फिल्म का सीन चल रहा है या उड़ता पंजाब का सीन चल रहा है, उनके जो नीचे के होंठ फड़कते हुए जब वो रोती हैं तो रिपीट जैसा लगता है अभिनय का, लेकिन फिर भी ये फिल्म पिछली फिल्मों से बेहतर ही बेहतर आलिया होती चली जा रही है। और एक बार मैं और मेंशन करूंगी जयदीप अहलावत का जो किरदार था, जो आलिया को ट्रेन करते हैं, उनका भी बड़ा ही उम्दा मुझे किरदार लगा फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म में म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लॉय ने और बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने। फिल्म का जो प्लॉट है वो कश्मीर और पाकिस्तान का है, और जो इसका मूड है वो देशभक्ति का है, चाहे वो पाकिस्तान की देशभक्ति हो या भारत की देशभक्ति हो, इसको नजर में रखते हुए शंकर एहसान लॉय और गुलजार ने एक जादू सा स्क्रीन पर लगा है। जब वो लिखते हैं कि ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, तो पाकिस्तान के लिए भी उतना ही सटीक बैठता है और उतना भारत के लिए भी सटीक बैठता है, और आलिया जो स्क्रीन पे उस वक्त अभिनय कर रही होती हैं वो आपके रोए खड़े कर देता है। फिल्म का टाइटल ट्रैक अगर दिल राजी है तो ये भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। इसके अलावा आलिया की शादी पे जो गाना बजता है दिल बरो, वो बहुत ही प्यारा गाना है। तो कुल इस फिल्म में तीन ही गाने हैं, एक और वर्जन है अरिजीत सिंह का आए वतन का, तो चार गाने हैं और सपोर्ट करते हैं फिल्म की कहानी को, फिल्म के मूड को इनहेंस करते हैं ये सभी गाने। बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना ही दमदार है जी। हर सीन्स के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको कनेक्टेड रखेगा। तो कुल मिलाकर कई टाइम बाद एक देशभक्ति का गाना सामने आया, और मुझे पूरा यकीन है जब आप हॉल से निकलेंगे तो गाने गुनगुनाते हुए जरूर निकलेंगे। आदित्य ने फिल्म बड़े ही गौर से देखी, और आदित्य ने कई बार मुझे बीच में बोला भी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कुछ सीन्स ऐसे जब सामने आए, तो आदित्य हमें बताएंगे कि फिल्म देखने आप क्यों जाए। आपकी जो प्रस्तावना है उसी में भी आपका जवाब आ गया है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो जाहिर सी बात है आपके भी खड़े हो सकते हैं रोंगटे। कुछ बहुत छोटे छोटे नुआंसेस पे अगर ध्यान ना दें, कि जैसे एक सीन होता है जिसमें आपको देशभक्ति जस्टिफाई करनी है, उसमें आप ऐसे डायलॉग डाल देते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वतन से ज़्यादा कुछ नहीं, इस तरह के डायलॉग अगर थोड़े बहुत इग्नोर करें और थोड़े लॉजिक कम कर दें तो फिल्म देख बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, देखने जाना चाहिए। मेघना गुलजार ने और आलिया भट्ट ने मिलकर एक अच्छा कमाल का काम किया है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक ऐसी महिला जासूस की कहानी जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बलिदान की कहानी है, त्याग की कहानी है, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी कुर्बान कर दिया। ये बिल्कुल सही बात आपने प्रतीक्षा कही, और सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद
ना इतिहास के पन्नों में, न भारत की वीरता के पुरस्कारों में, बड़े बड़े पुरस्कारों में इनका कहीं जिक्र नहीं है। और मुझको अचंभा होता है कि कौन सी ताकत है, कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन है इनकी जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए इनको प्रेरित कर देती है। ऐसे लोगों को सैल्यूट है हमारा। तो आदित्य सब जानते हैं, आदित्य आप कितने स्टार्स देंगे फिल्म को? फिल्म का पूरा रिव्यू आप हमारी वेबसाइट lokmatnews.in पे जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ मैंने इस फिल्म को 3.5 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5। प्रतीक्षा आपने कितने स्टार दिए? मैं तो फिल्म को 4 स्टार दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि दमदार एक्टिंग है, प्लॉट बहुत अच्छा है, सीन्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्शन में मुझे लगता है मेघना गुलजार को मैं नंबर 1 कहूँगी इस पर। सिनेमाटोग्राफी शानदार थी, स्क्रीन प्ले, स्क्रीन राइटिंग सब मुझे लाजवाब लगा। साथ ही उससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से एक रियल लाइफ स्टोरी को रियल लाइफ में उतारा गया। और एक ऐसे वक्त में ये फिल्म आई है जब कश्मीर के लोगों की देशभक्ति पे ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, शक की निगाह से देखा जा रहा है, पत्थरबाज का टैग लग गया है। ऐसे वक्त में कश्मीर की मुस्लिम महिला जासूस जिसने 1971 की लड़ाई में भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी एक पर्दे के पीछे से दिलाई थी, एक ऐसी कहानी पर्दे पर आई है, तो इसको देखना चाहिए आप लोगों को। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए lokmatnews.in। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।